नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। साल 2021 का पहला चंद्र ग्रहण 26 मई को लगा। संयोग से इस दिन वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा भी रही। ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण था जो कि दुनिया के कई देशों में दिखाई दिया। 6 साल में पहली बार सुपर मून और चंद्र ग्रहण का संयोग बना था। कल आसमान में चांद आम रातों के मुकाबले ज्यादा बड़ा और चमकीला दिखाई दिया। आकाश में अद्भुत नजारा देखने को मिला। 26 मई को चांद जब निकला, सब उसे निहारते रह गए। चांद ने अपने बड़े आकार और चमकीले स्वरूप से सबको अपनी तरफ आकर्षित किया। कल रात चांद धरती के सबसे नजदीक था। पूर्णिमा पर चांद जब पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो हमें वो बड़ा और चमकीला नजर आता है, इसे सुपर मून कहते हैं। चंद्र ग्रहण भारत के कुछ स्थानों समेत ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, एशिया, प्रशांत महासागर और अन्य क्षेत्रों में दिखाई दिया। हालांकि बाकी स्थानों की तरह ये पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं बल्कि आंशिक रूप से उपछाया चंद्र ग्रहण था। चंद्र ग्रहण समाप्त हो चुका है। अब अगले महीने 10 जून को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस साल कुल 4 ग्रहण लगने हैं, जिनमें से 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण हैं। साल 2021 के 2 सूर्य ग्रहण में 1 जून और दूसरा दिसंबर में लग रहा है। 2 चंद्र ग्रहणों में पहला 26 मई को लग चुका है और दूसरा नवंबर महीने में लग रहा है। इस साल का दूसरा ग्रहण सूर्य ग्रहण है, ये 10 जून को लगेगा। ये भी भारत में नहीं दिखाई देगा, ये आंशिक रूप से भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका भी कोई धार्मिक महत्व नहीं माना जाएगा। भारत में नहीं दिखने के कारण इसका भी सूतक अमान्य होगा और मंदिरों में धार्मिक कार्यों के करने पर कोई रोक नहीं रहेगी। इसे भारत के अलावा कनाडा, रूस, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और कई अन्य स्थानों पर देखा जाएगा। भारतीय समय के मुताबिक ये वलयाकार सूर्य ग्रहण दोपहर करीब 1:42 पर शुरू होकर शाम 6:41 पर खत्म होगा। 5 घंटे के इस ग्रहण में 3:48 तक वलयाकार स्थिति बनेगी। सूर्य ग्रहण पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा के आ जाने से बनता है और इसे खुली आंखों से नहीं देखा जाता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।